वन विभाग की लापरवाही की खबर एनडीटीवी पर दिखाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया, जिससे इन बाघों को आजादी मिली। एनडीटीवी की पहल पर 3 साल बाद इन 3 बाघों को आजादी मिली है। बचपन में ही अनाथ हो गए इन बाघों को वन विभाग ने जंगल से उठाकर कान्हा नेशनल पार्क में रखा। हिफाजत के लिए इन्हें पिंजरे में रखा गया, लेकिन वन विभाग की लापरवाही के चलते इनकी जिंदगी पिंजरे में कैद होकर रह गई। यहाँ तक कि शिकार करना भी नहीं सीख पाए। सबसे पहली प्रयास हमारी ये रहेगी कि जहाँ पे उनको रखा गया है वो यदि जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं कि जैसे एक फ्री रेंजिंग एनिमल करता है उस तरह से चीज़ों में वो सफल हो जाते हैं तो हम उनको जंगल छोड़ने की बात कर सकते हैं, और अन्यथा हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो हम सेंट्रल जू अथॉरिटी के साथ बात करके उनको कहीं सफारी या कोई अन्य ऐसे जगह में जो बेटर प्रॉपरली मैनेज्ड होगा वहाँ पे उनको भेजने की कार्रवाई करेंगे। जंगल से जब इन बाघों को यहाँ लाया गया तो चीनी मॉडल की तरह इनके पुनर्वास की योजना बनाई गई, जिसके तहत एक क्षेत्र को घेर कर हिफाजत से इनकी परवरिश करने और शिकार सिखाने की पूरी तैयारी की जाती है। लेकिन चूक और लापरवाही के चलते ऐसा नहीं हो सका। वन विभाग के जानकार कहते हैं कि 3 साल के बाघों को अब शिकार सिखाना मुश्किल है। कोशिश तो अच्छी है, लेकिन ये कहना कि ये सफल हो पाएगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाघ 1 साल की उम्र में शिकार की कोशिश चालू करता है और 2 से 2.5 साल की उम्र में आके ये शिकार सीख पाता है। ये इतने बड़े हो गए हैं कि अब ये जंगल में अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे ये संभव नहीं लगता। बाघों की संख्या देश में लगातार घट रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही भी एक बड़ी वजह है। ऐसे में इस तरह के मामले से कान्हा नेशनल पार्क जैसी जगहों पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। एनडीटीवी की खबर के चलते बाघों को एक नया और खुला स्थान तो मिल गया है, अब ये खुद शिकार करना सीख जाएंगे तो इसी जंगल में रहेंगे, वरना किसी वन विहार भेज दिए जाएंगे। कान्हा नेशनल पार्क से अभिषेक के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और फिलहाल इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक।